हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जो है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, राइट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये आएगा 3 से 5 नंबर का ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, राइट, उनकी हमें क्या आनी चाहिए? नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग क्या होती है? जैसे कि अल्फ़ाबेट होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और यह Z, राइट। तो इनकी जो नंबरिंग होती है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना होता है इंग्लिश 36, राइट। तो इसलिए हमने 30 को लिखा इधर और 30 को लिख दिया इधर, राइट। इंग्लिश अल्फाबेट में देखिए ए आता है फर्स्ट पे, बी आता है सेकंड पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, H8 पे। तो इसी तरीके से हम नंबरिंग देंगे इन सारे नंबर को, राइट, ए से लेके जेड तक। तो जेड कितने पे आएगा? 26 पे आएगा, राइट। ये होगी नंबरिंग की बात, ये आपको आनी चाहिए कि नंबरिंग कैसे होती है, राइट, कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है और बाकी जो भी अल्फाबेट है वो कितने नंबर पे आते हैं, राइट। ये होगी अल्फाबेट की बात। और दूसरी आपको एक चीज़ नोट करने वाली है कि इनके पेयर, जैसे ए और जेड का पेयर बन रहा है, बी वाई का पेयर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सी और एक्स का पेयर बन रहा है, डी डब्ल्यू का पेयर बन रहा है। तो ऐसे भी आपको पेयर याद होने चाहिए। ये पेयर कैसे बनते हैं? 30 हम जो अल्फाबेट है वो इस डायरेक्शन में लिखे थे, 30 लिखेंगे यहाँ से, राइट। तो देखिए मैंने ए से लेके एम तक यहाँ पे 30 अल्फाबेट लिखे थे और पीछे से चला था, फिर मैं एम के सामने को मैंने एन को लिखा, फिर ऊपर को मैं चला था ऐसे को, फिर मैंने क्या लिखा था यहाँ पे जेड तक का लिखा था, राइट। तो आपने भी जब पेयर बनाने हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे, राइट। और इनके जो पेयर बनेंगे ये भी आपने याद करने हैं कि कौन सा पेयर किसके साथ बनता है। ए का जेड के साथ बनता है, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ, डी का डब्ल्यू के साथ, राइट। तो ये चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, राइट। और जो कोडिंग डिकोडिंग होती है ये हमारे पास दो टाइप की क्वेश्चन में पूछी जाती है। एक होता है हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन और एक होता है ये वाला क्वेश्चन। जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो इसको कवर करेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं जो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है ये है। इसमें हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे? गिव, यहाँ पे गिव है, इसका कोड दिया है ये, और बॉन्ड है, इसका कोड दिया है ये। तो हमारे से पूछा है कि क्रू का कोड बताइए, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे? अब मैंने क्या बताया, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है इसकी हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो जो हमने अभी यहाँ पे सीखी, राइट, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें हमें क्या पता लग रहा था यहाँ पे कि जी कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ये आता है 7 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, और वी कितने पे आता है 22 पे, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, राइट। तो ये हमने नंबरिंग लिख ली। अब हम चेक करेंगे जो हमारे पास इसका कोड दिया है, ये हमारे पास इसका कोड दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो क्या था, 7 था, तो यहाँ पे क्या लिखा था आगे? 8 लिखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? +1 हो रहा था। और इसी तरीके जो सेकंड कोड था वो था आई का, क्या था? 9 था। तो यहाँ पे क्या लिखा था आगे? 10 लिखा था, तो इसमें +1 हो रहा था। इसी तरीके से जो वी है वैन वाला, इसमें भी हमारे पास 22 इसका कोड होता है, और इसके आगे क्या लिखा था यहाँ पे? इसका कोड 23 दिया था, तो इसमें भी +1 हो रहा था। और लास्ट में हमारे पास ई दिया था, ई क्या होता है 5 पे, और हमारे पास लास्ट कोड क्या दिया था? 6 दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा था, राइट। तो इसी तरीके से अब हम जो क्रू है इसका जो कोड होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो लिख लेंगे। तो सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। आर कितने पे आता है? 18 पे आता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, और ई आता है 5 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें 1 प्लस कर देंगे। 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और 23 में 1 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारे पास क्रू का जो कोड हो गया वो बन गया ये, राइट, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन की तरफ, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें हम मेनली यूज़ करेंगे कुछ सिंबल। कुछ सिंबल क्या होंगे? एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल,
एक होगा सर्कल, फिर ट्रायंगल, डबल लाइन का यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे, या ऐसे डबल लाइन का यूज़ करेंगे, तो इन सब हम सिंबल का यूज़ करेंगे। ये क्यों करते हैं? इससे क्या होता है, हमारे पास हमें टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए एक एक वर्ड को लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका कोड लिखेंगे, तब आपको टाइम की वेस्टेज होगी। तो इसीलिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप देख डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इस जो पार्टिकुलर वर्ड है इसका कोड ये है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपको इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, क्वेश्चन को देखना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव व्हाट इज द कोड फॉर रेड। हमने क्या निकालना है, यहाँ पे रेड का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि रेड कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है उनमें आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक होती है हमारे पास ये वर्ड की स्टेटमेंट ये वाली, और कुछ इनके यहाँ पे कोड दिए होते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड है और ये इनके क्या है, कोड है, राइट। और चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास रेड कहाँ कहाँ पे आ रहा था। तो देखिए हमारे पास रेड जो हमारे पास आ रहा था, एक तो आ रहा था इस वाली कंडीशन में, और एक रेड आ रहा था हमारे पास देखिए इस वाली कंडीशन में, राइट। पर एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे पर्पल भी लिखा था और यहाँ पे भी पर्पल आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे रेड और पर्पल दोनों थे। तो हमें पहले किसका कोड फाइंड करना पड़ेगा, पर्पल का फाइंड करना पड़ेगा। तो पर्पल का कोड देखिए यहाँ पे पर्पल लिखा है, और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें भी पर्पल लिखा था। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे, और इनमें जो कॉमन वर्ड होगा वो हम पिक कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या वर्ड कॉमन था, तो देखिए इन अगर स्टेटमेंट को पूरे चेक करें हम, तो इसमें ओनली पर्पल जो था वो कॉमन था। तो फर्स्ट और सेकंड में हम क्या टिक कर लेंगे, पर्पल को टिक कर लेंगे। तो इनमें हमारे पास क्या आएगा, एक तो हो गया वर्ड टिक, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड को भी यहाँ से टिक कर लेंगे। तो पर्पल का कोड देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कौन सा कोड इनमें कॉमन था, तो देखिए इनमें कॉमन क्या था, यहाँ पे इनमें गेट, देखिए यहाँ पे गेट दोनों में कॉमन था। तो हमारा पर्पल का कोड क्या आ गया, यहाँ पे गेट आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ओनली हमें अब हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि रेड का कोड क्या है। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट थी और सेकंड स्टेटमेंट थी इनमें रेड कॉमन था, राइट, दोनों में कॉमन क्या था, रेड था, और भी कोई भी वर्ड इनमें कॉमन नहीं था। तो हम रेड को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, और ऊपर भी रेड को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, के बीच में जो कोड जो है सिमिलर होगा उसको पिक कर लेते हैं। तो हम देखिए वैट, ये देखिए ये, और यहाँ पे वेट कॉमन था। तो देखिए यहाँ पे हम रेड के लिए सर्कल का यूज़ किया, तो यहाँ पे कोड के लिए भी हम सर्कल का यूज़ करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें पूछा था रेड का कोड, तो हमारे पास रेड का कोड क्या है, VET आया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप डायग्राम पे डायग्राम बनाएंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड का कोड हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन टर्म यूज हो रही है, ऑरेंज इज रेड, तो रेड का कोड तो हमने यहाँ पे पता कर लिया था कि रेड का कोड क्या था, वेट था, राइट। अब हम फाइंड करेंगे किसका, ऑरेंज का कोड पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए ऑरेंज कहाँ कहाँ पे गिवन था, तो देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 4 थी ये, इसमें हमारे पास ऑरेंज आ रहा था, और ऑरेंज हमारे पास कहाँ पे गिवन था, और फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी ये वाली, इसमें हमारे पास ऑरेंज वर्ड जो है वो कॉमन था, राइट। तो देखिए हमारे पास फोर्थ और फर्स्ट में क्या वर्ड कॉमन आ रहा था, ऑरेंज वर्ड कॉमन आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज को यहाँ पे डबल लाइन लगा देंगे, और फर्स्ट में भी डबल लाइन लगा देंगे, और इनके बीच में जो कोड कॉमन होगा उसको उठा लेंगे। तो देखिए इनके बीच में जो कोड कॉमन था वो क्या था हमारे पास, देखिए अब यहाँ पे कोड जो बैट, ये बैट जो कोड था ये हमारे पास कॉमन था, इस पर भी हम दो लाइनें लगा देंगे, ऊपर भी दो लाइनें लगा देंगे। तो हमें पता लग गया यहाँ पे जो ऑरेंज था इसका कोड क्या आ गया, बैट आ गया, राइट। तो इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे इज का कोड, पर यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इज तो यहाँ पे दिया हुआ है, पर हमारे पास जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे इज कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इज का कोई कोड और ही होगा, राइट। तो इसके बाद हमें पता था यहाँ पे रेड का कोड हमने निकाला था, रेड का कोड क्या था, हमने यहाँ निकाला हुआ था, रेड का कोड था VET, राइट। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई ऐसा वर्ड आए जो हमारे पास स्टेटमेंट में ना दिया हो, ऐसा
कोड पिक करेंगे जो आंसर में जो हमारे पास स्टेटमेंट में ना दिया हो. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हमें दो जो वर्ड थे उनका पता लग गया, ऑरेंज का पता लग गया और रेड का पता लग गया. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या कॉमन था. फर्स्ट स्टेटमेंट में था ये भी कॉमन था, फर्स्ट वैट और वैट भी कॉमन था, राइट. पर यहाँ पे आर ई टी लिखा था बीच में. तो देखिए अब हमारी जो स्टेटमेंट है ये वाली, यहाँ पे कोड दिए थे जो, तो इनमें देखिए हमारे पास रैट जो है थर्ड जो लास्ट स्टेटमेंट थी इसमें यूज हो रहा था. तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर नहीं है. तो इसके बाद हम सेकंड चेक करेंगे. सेकंड में देखिए वैट और वैट दोनों हमारे पास थे और यहाँ पे एक और दिया था जेड ई टी. तो अब हम देखेंगे इस वाले यहाँ पे जाके कि जेड ई टी हमारे पास कहीं पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए जेड ई टी का कोड, जेड ई टी किसी के लिए भी कोड यूज नहीं हो रहा था, राइट. तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट. तो जेड ई टी क्यों बोला मैंने, क्योंकि जेड ई टी ने हमारे पास जो है ये वाली जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे देखिए ये वाला जो था हमारे पास कोडिंग दी हुई थी इसमें जेड ई टी यूज़ नहीं हो रहा था. तो इसका मतलब जो इज है इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जेड ई टी यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो इसके बाद आते हैं जी थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो है ये. तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सेट का कोड बताइए. तो देखिए अब हमने फाइंड करना है सेट का कोड. तो सेट का कोड हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम देखेंगे कि सेट जो है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट में आ रहा था. हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में भी सेट था और थर्ड स्टेटमेंट में भी सेट था, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट को पिक कर लेंगे. यहाँ पे हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. और देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कोई और भी ऐसा वर्ड नहीं था जो इन दोनों में कॉमन था. यहाँ पे जी ई टी था, पर जी ई टी का कोड हमने पहले ही फाइंड कर लिया था जो क्या था, पर्पल था. तो हमारे पास यहाँ पे सेट के लिए हम कोड जो डिसाइड करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और देखेंगे अब इन दोनों के बीच में कौन सा सा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है. तो देखिए हमने पर्पल के लिए भी पहले निकाल के रखा था कोड, तो इन दोनों के बीच में अब देखिए क्या वर्ड कॉमन था. यहाँ पे ब्लू वर्ड जो है वो कॉमन था दोनों में, राइट. तो इसके ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ब्लू के ऊपर ट्रायंगल का यूज़ कर लेंगे. तो अब हमें पता लग गया जी सेट का कोड क्या निकल के आया, ब्लू निकल के आया. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सेट के लिए, ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट. तो देखिए एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न के बेस के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन. तो इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, राइट. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सब कुछ स्टेटमेंट सेम है, इसमें स्टेटमेंट भी सेम है, कोड भी यहाँ पे दिए हुए हैं और मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, राइट. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन है इनके कोड आप फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर हमने इसका जो है आंसर करके ये आपको भेजा है, राइट. तो ये आप नोट कर लें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप इसकी जो पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, राइट. तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट पैटर्न के बेस के ऊपर हमारे पास आता है, जो कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है. एक होता है हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंबल दिए होते हैं, राइट. तो ये अल्फ़ाबेट आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, राइट. तो इसके बाद हमारे पास क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 25 जो है ये क्वेश्चन, ये पूछा है कि पेंस, जो पेंस है ना इसका कोड आप बताइए. तो यहाँ पे देखिए हम क्या सिंपल जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या चेक करेंगे, सिर्फ जो पेन के लिए क्या सिंबल यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है और उसके बाद क्या था ई था, तो ई के लिए यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है वो चेक करेंगे. उसके बाद एन, तो एन के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है वो चेक करेंगे. और एस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है वो चेक करेंगे. और जो भी इनके सिंबल यूज़ हो रहे थे उनको डायरेक्ट लिख लेंगे. यहाँ पे पी के लिए ये हो रहा था, उसके बाद ई के लिए हो रहा था प्लस का, और एन के लिए हो रहा था हमारे पास परसेंटेज का, और एस के लिए हो रहा था हमारे पास यहाँ पे एट द रेट का, राइट. तो इसको हम चेक कर लेंगे अब कि हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ये अगर कोड गिवन होगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट. तो इसी तरीके से आप किसी भी अगर कोई भी ऐसे आपके पास वर्ड दिया होता है तो उसमें आपने क्या करना होता है, उसके वर्ड जो अल्फ़ाबेट है उसको चेक करें, उसका जो सिंबल है उसको चेक करें और डायरेक्ट लिखें और फिर उसको ऑप्शन में चेक कर लें, राइट. अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है दी कोड ऑफ टी, अगर टी का जो कोड है इसको एक्सचेंज कर दिया जाए आई के साथ और जो एन है इसका कोड एक्सचेंज कर दिया जाए के साथ.
तो बताइए हमारे पास जो स्किप है इसका कोड क्या होगा। और इन्होंने ऐसा बोला है कि सो ऑन मीन्स ये प्रोसेस आगे को चलती रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए टी है इसका कोड किससे एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे आई के साथ कर दिया, एन का कर दिया हमारे पास के ए के साथ, राइट। तो इसी तरीके से पी का किसके हो जाएगा, एच के साथ हो जाएगा, सी का होगा ई के साथ, और इसी तरीके जी का होगा एस के साथ, राइट। तो इसलिए अब हम देखिए यहाँ पे हमारे से लास्ट में पूछा क्या था, स्किप का कोड पूछा था। तो यहाँ पे देखिए एस का कोड किससे एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे एस का कोड एक्सचेंज हो रहा था हमारे पास जी के साथ। तो एक्स एक्स की जगह क्या कोड आएगा हमारे पास, स्टार आएगा, क्योंकि एस का कोड किससे एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे जी से हो रहा था। तो इसी तरह से अब के का, अब यहाँ पे बोला था कि के का किसके साथ एक्सचेंज हो रहा था, एन के साथ। तो इसके बाद के की जगह पे अब हमारा किसका कोड आएगा, यहाँ पे एन का आएगा। तो एन के लिए क्या कोड हो रहा था, यहाँ पे परसेंटेज यूज हो रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। और यहाँ इसी तरीके से देखिए अब क्या लिखा था, आई कि आई क्या, अगर आई का चेंज हो रहा था किसके साथ, टी के साथ, तो आई की जगह पे किसका कोड आएगा, टी का आएगा। तो आई के लिए अब क्या यूज़ करेंगे हम, सिंबल जो डॉलर का साइन है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो किसका था, टी का था, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे थे। और इसी तरीके से अब हमारे पास आता है पी का, तो पी का किसके साथ एक्सचेंज हो रहा था जी, एच के साथ। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास हैज, राइट। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये रहा हमारे पास एक और नेक्स्ट पैटर्न, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स का आ सकता है। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, या तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डब का क्या कोड लिखा था, डब का कोड लिखा था ई ओ वी डी, और सोल्ड का कोड लिखा था डी ओ एल एस, और यहाँ पे पूछा था कि फोर का कोड बताइए। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा था, ये लिखा था डी ओ वी ई, इसका कोड लिखा था ई ओ वी डी। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता लग रहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, राइट। तो इसलिए अब जो सेकेंड है इसको भी चेक कर लेते हैं, सोल्ड, तो सोल्ड में भी क्या हो रहा था, डी ओ एल एस। तो फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है वो अपने पोजीशन चेंज कर रहे थे, तो इसलिए हम फोर का कोड भी क्या लिखेंगे, फोर का कोड क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ओ यू और एफ, राइट, ये हमारे पास आएगा। क्योंकि जो बीच के एलिमेंट थे दो, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनको सेम में रखा। यहाँ पे भी देखिए बीच वाले एलिमेंट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे थे, तो इसलिए इनको सेम रखा। और जो फर्स्ट और लास्ट है वो अब एक दूसरे की आप पोजीशन को चेंज कर रहे थे, तो इसलिए हमारे पास जो कोड आया वो ये आया, जो कि ऑप्शन नंबर फिफ्थ है, राइट। तो इसी तरीके से अब हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन, ये यहाँ पे लिखा है प्रेस, प्रेस का कुछ ये कोड दिया है, और इसी तरीके से क्रीम लिखा है इसका कोड दिया है, और ये गार्डन लिखा है इसका कोड हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्रेस का जो कोड लिखा है वो ये लिखा है, तो पी हमारे पास यहाँ से चेक करेंगे, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, आर कितने पे आता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो 18 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, और एस आता है 19 पे, और लास्ट बचा एस, तो वो आता है 19 पे। अब आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास कोड दिया है वो भी इसी पैटर्न में दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब कि हमारे पास ओनली नंबरिंग की हुई है जो कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है। तो यहाँ पे हम चेक कर लें कि गार्डन का कोड क्या बनेगा, तो जी हमारे पास कितने पे आता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो आता है हमारे पास 7 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, और डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, और एन आता है हमारे पास जी 14 पे, राइट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है हमारे पास, जो कि जी ऑप्शन नंबर आती है फर्स्ट हमारे पास राइट, नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास राइट आंसर रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो इसके बाद ये वाला आता है लास्ट, राइट। तो इस वाले पैटर्न को भी देख लेते हैं, इसमें क्या आता है जी, देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा है बुलेट, और यहाँ पे लिखा है ट्राइब, और यहाँ पे लिखा है रूल, राइट। तो रूल का कोड हमारे से पूछा है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल जो है, ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इस पर क्या पूछा था, रूल का कोड पूछा था, तो देखेंगे हम यहाँ पे कि आर के लिए क्या कोड यूज़ हो रहा था। तो देखिए आर
सेकंड वाले में होता हो रहा था यूज ट्राइब में, तो आर के लिए क्या यूज हो रहा था यहाँ पे, नाइन यूज हो रहा था, तो आर के लिए लिख लेंगे नाइन। और यू के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा था यहाँ पे, यू हमारे पास फर्स्ट में यूज हो रहा था, तो यहाँ पे एक हैज यूज हो रहा था, तो हैज लिख देंगे। उसी तरीके से एल का कोड क्या यूज हो रहा था यहाँ पे, एल के लिए टू यूज हो रहा था, तो टू लिख देंगे। और इसी तरीके से ई के लिए क्या हो रहा था यहाँ हमारे पास, यहाँ पे लास्ट में वो कॉपीराइट हो रहा था, तो ये हमारे पास कॉपीराइट आ गया। तो इसको अब हम चेक कर लेंगे, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, राइट, ये मैंने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो कि कोडिंग डिकोडिंग थे, के थे, इसको बोलते हैं हम चाइनीज कोडिंग, राइट। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन रहा और ये इसका तो ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है और ये इसके क्वेश्चन नीचे रहेंगे, तो इन कोडों को आपने फाइंड करना है, राइट। तो इनकी पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं, राइट, और अपने आंसर जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से लिए हुए थे, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी मिल चुकी होगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, राइट। ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।